कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर उज्जैन से, आज सुबह एकाएक हिस्ट्री शीटर बदमाश बिल्ला की अवैध संपत्ति को किया धराशायी। 10,000 का इनामी कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का विराट नगर स्थित अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम ने धराशायी किया। कलेक्टर आशीष सिंह, SP मनोज कुमार सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। ASP रुपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह, CSP पल्लवी शुक्ला, SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर इस दौरान मोर्चा संभालते हुए थे। हिस्ट्री शीटर बदमाश पर बलात्कार, जान से मारने का प्रयास, रंगदारी, घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट आदि करीब 30 संदिग्ध अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। आरोपी पर जिला पदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहा है। थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, मनीष मिश्रा, राममूर्ति शाक्य, प्रकाश वास्कले, मुनेंद्र गौतम, JR बर्डे सहित पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। उज्जैन से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आ रही है। गुंडों के प्रति लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की आगे की कार्रवाई रखेगी? देखिए, मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी माफिया है, जो भी गुंडे हैं, उनका सख्त कार्रवाई करने का निर्णय माननीय उज्जैन जिले के जो नामचिन्ह गुंडे जिनका शहर में आतंक है, जिनका खिलाफ रिपोर्ट करने लोग डरते हैं, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करी है, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसी क्रम में आज गुंडा बिल्ला के खिलाफ हम लोग या उसकी अवैध संपत्ति कमाई हुई संपत्ति को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इस गुंडे के खिलाफ करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। हत्या का प्रयास, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट, घर में घुस कर मारपीट करना, सारे अपराध सामने हैं। ये गुंडे के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित है और इसके खिलाफ रासुका भी दिया हुआ है। अभी पिछले मई के महीने में से बहुत गंभीर अपराध किया है, इसे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। तो माननीय मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार इसकी जो अवैध कमाई है, उस कमाई से जो इसने अर्जित संपत्ति और घर मकान बनाया है, उसको नष्ट करने का हम लोग प्रयास किए हैं ताकि इसके आर्थिक कमर टूट सके, आगे कोई वारदात न कर सके।